लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक अंकित शर्मा के कार्यालय पर हिंदू युवा वाहिनी की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य धर्मांतरण को लेकर किया गया। शहर में जो धर्मांतरण लगातार बढ़ रहा है, इसमें क्रिश्चियन समुदाय के लोग गरीब हिंदुओं को बहला फुसलाकर बड़ी बड़ी बातें कर बड़े बड़े सपने दिखाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं और लाखों रुपए का लालच देते हैं। इसमें पुलिस कोई खास कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी 4-5 दिन पहले सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक धर्मांतरण का मामला हिंदू युवा वाहिनी ने मौके पर जाकर पकड़ा। हम सभी लोग सिविल लाइन थाने गए और थानाध्यक्ष से भी बात हुई और सीओ साहब को भी मौके पर बुलाया गया, जिसमें कोई खास धारा पुलिस ने नहीं लगाई और झूठा आश्वासन दिया। अगर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू युवा वाहिनी पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार में इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और जल्द से जल्द पूज्य योगी जी से मिलकर इस संबंध में बात करेंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी ने जिला मीडिया प्रभारी प्रदीप राजपूत जी, जिला संगठन मंत्री विकेश राजपूत, जिला मंत्री दिलीप शुक्ला जी, ब्लॉक उपाध्यक्ष अंकित गुप्ता जी, संदीप शर्मा जी, आकाश शर्मा जी, बिक्की माली आदि मौजूद रहे। इसमें हमारा उद्देश्य ये है, जो शहर में लगातार धर्मांतरण लगातार हो रहे हैं, काफ़ी हिंदू परिवारों को, गरीब परिवारों को बहला फुसलाकर जो क्रिश्चियन समाज के लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, उसमें पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज भी मैंने देखा काफ़ी विभिन्न संगठनों के लोग भी कप्तान साहब से जाकर मिले, तो उसमें कप्तान साहब ने उनसे मुलाकात नहीं की और फिर वो उसके बाद में जिलाधिकारी से मिले। जिलाधिकारी महोदय ने आधा घंटा वेट करवाने के बाद सभी लोगों से मुलाकात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब जिस दिन ये धर्मांतरण हुआ था तो हिंदू युवा वाहिनी भी वहाँ पर पहुंची थी और सिविल लाइन थाने में हमारी सीओ साहब से ही बात हुई, एसओ साहब से बात हुई, एसीएम साहब भी बैठे हुए थे उनसे भी बात हुई। सभी ने हमें ये आश्वासन दिया कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसमें कोई भी खास उन्होंने धाराएं नहीं लगाई, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं। देखा गया कि ईसाई जो मिशनरी है वो काफ़ी लोगों को गुमराह करके और जो परिवर्तन करा रही है, जो भारत सरकार को भी आ चुके हैं। इसमें पूर्व में भी दो बार हो चुका है। जो ईसाई समाज के लोग हैं उन लोगों के पास से डेटा होता है गरीब लोगों का, वो उनका जो फोकस है वो हिंदू समाज में जो गरीब व्यक्ति है, जैसे कि जिसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ये लोग क्या करते हैं, बीपीएल कार्ड वालों का डेटा निकालते हैं और रोज़गार कार्यालय पर ये लोग जाते हैं, जहाँ से लोन के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, इन लोगों का ऐसे लोगों पर फोकस होता है जिसको तुरंत पैसे की अर्जेंट एकदम ज़रूरत हो, ये उसको बड़े बड़े लालच देते हैं और बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े घरों के सपने दिखाते हैं, लग्जरी लाइफ के सपने दिखाते हैं और उसको ये तुरंत क्रिश्चियन बनाने के लिए कन्वर्ट कर देते हैं। ईसाई धर्म का जो लोग हैं, पादरी हैं, उनका कहना यह है कि हम केवल सत्संग कराते हैं जिससे गरीब परिवार को फेस पहुँचता है, फ़ायदा पहुँचता है, हमारा मकसद धर्म परिवर्तन कराने का नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, अगर उन्हें सत्संग कराना है तो अपने समाज के लोगों में कराएं ना, क्यों वो हिंदू समाज को गुमराह कर रहे हैं। पहले भी काफ़ी केस आ चुके हैं जिसमें धर्म परिवर्तन हुआ था, पहले भी बात की थी समाज द्वारा परिवर्तन कराने की कोशिश की गई थी और अब आगे ये 2-3 केस और आए हैं। ये लगातार शहर के अंदर घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि इसमें पुलिस कोई खास कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं समझता हूँ अगर पुलिस इसमें खास कार्रवाई करे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा धर्म परिवर्तन करा सके, क्योंकि पुलिस इसमें नॉर्मल धारा लगाकर वो छूट जाते हैं, तो उन लोगों की एक सोच बन चुकी है कि इस खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब